पकड़ के ये ऑनलाइन ना ने है बेगम से बकया देना आपने। अम्मी देंगी इनका खोल देते हैं। हाँ जी गाटा लगाया हुआ है। ये बंधन, बंधन ये जी गांव के कुछ रस्म रिवाज होते हैं, ये बांध के बंधन। और दुल्हन जो है वो दहलीज पे खड़ी होती है, वो जो जो मांगे फिर वो देना पड़ता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, चलें जी बैठ जाए। के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीकला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। माफी भी तेरा नाम है मुहम्मद मुमताज वल्द मुहम्मद हनीफ का निकाह सुन्नत के मुताबिक बाईवज 6,000 रुपए हक मेहर रूबरू इन तमाम गवाहों के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया तो कबूल है। मुहम्मद मुमताज वल्द मुहम्मद हनीफ का निकाह तुहाडा किया तो कबूल है। बोलो बेटा कबूल है। मुमताज वल्द मुहम्मद हनीफ का निकाह तुहाडा किया तो कबूल है। बेटा सियाने धीए मैंने कर दिए होंगे। मोहम्मद मुमताज वल्द मुमगा सुनने के मुताबिक तानू कबूल है। चलो बच्ची चलो सर बच्ची बात करो واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق منا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين अल्लाहु सल्लि व सल्लम बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम। प्यारे अल्लाह करीम निकाह की इस तकरीब को अपनी पाक बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। प्यारे अल्लाह करीम दोनों खानदानों के आपस के मामलात में इनके लिए आसानियां पैदा फरमा। प्यारे अल्लाह करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का प्यार इनके हक में नसीब फरमा। अल्लाह हमारे भाई की इस नई जिंदगी में इनके लिए बरकतें नसीब फरमा, रहमतें नसीब फरमा। अल्लाह हमारे इस भाई को अपने खानदान के मामलात में इनके लिए आसानियां पैदा फरमाना, अपने माँ बाप का बड़ों का बुजुर्गों का अदब व एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमाना, अपनी बीवी के साथ अच्छा शोहर बनने की तौफीक नसीब फरमाना। ऐ प्यारे अल्लाह करीम इनके हक में रोजी रिजक में वसी बरकतें नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इनके लिए आसानियां पैदा फरमा। हम सब की दुआएं सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिहिल आला मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिहि अजमाईन बिरहमतिक। अल्हम्दुलिल्लाह जी निकाह जो ना वो हो गया है और अभी दुल्हन लेके चलते हैं। दुल्हन को बैठाते हैं गाड़ी में और उसके बाद जी रवाना हो चलते हैं। काफी लेट हो गए हम तो काफ़ी शोर शराबा भी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा तो चलते हैं जी। किधर गया? और अभी दूल्हा भी जो है ना वो भी बैठ गया और दूल्हे के साथ हादी को भी हमने बिठा दिया था तो अभी रवाना होते हैं। काफ़ी लेट होगी, अंधेरा हर तरफ छा चुका है जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी दुल्हन लेके अब जा रहे हैं, खैरियत से जाएं।
दुल्हन भी आ चुकी है, बेगम सब इंतज़ार कर रही, और मैंने कभी आप लोगों को मैं तो आप लोगों की एंट्री करवाता हूँ। हाँ जी ले आए, तो अभी आए, अंधेरा काफ़ी हो गया, हमें काफ़ी लेट हो चुकी है जी। आज 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 जी तो रास्ते में रुक गई। हाँ जी क्यों रुक गई है? हाँ जी माँ जी की रास्ते से खड़े हो गए दहलीज पकड़ के। बेगम से क्या देना आपने? अम्मी देंगी। नहीं माँ जी लेनी ना, गाँव लेनी ना, की लेना ने है? आप भी साथ कोई हेल्प करें। सब कुछ इनका ही है, मेरी मान जाए तो। हाँ जी सब अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं इनका ही सब कुछ। चले आज आज जल्दी करें, बाहर सर्दी भी है। चले जी यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ पे फूल डाल दिए। ये इनका खोल देते हैं। हाँ जी गाढ़ा लगाया हुआ है। ये बंधन, बंधन ये जी गांव के कुछ रस्म रिवाज होते हैं, ये बांध के बंधन, और दुल्हन जो है वो दहलीज पे खड़ी होती है, वो जो जो मांगे फिर वो देना पड़ता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, चले जी बैठ जाए। चले जी मुमताज भी बैठ जाए। हाँ जी खाना वगैरह देना? खाना वैसे खा के आए इधर से। अच्छा तो आपने अभी चाय वगैरह देनी है? चले ले चाय बना ली, ये बनानी है। चले मिठाई भी ले आए, चाय भी ले आए। खाना वगैरह तुमने वहाँ पे खा लिया था? तो खाना खा के फिर इनका निकाह हुआ था। हाँ जी व्यूअर, तो आप लोगों को दिखाते हैं जी दुल्हन का जो लहंगा जो है वो दिखाते हैं। लहंगे की ये वाली साइड है, ये देखें जी ऐसे माशाल्लाह काफ़ी प्यारा बना हुआ है। तो अभी माँ जी सोच रही हैं कि मैं उनको क्या दूँ। हाँ जी क्या देना? थोड़े दे। ये 500 रुपया, सिर्फ 500 रुपया। चले दे 500, भी लाखों में बराबर ही है। हाँ जी हाँ जी, आप मिठाई लेके आ रही? ये देखें, ये बड़ी मुश्किल से इतनी खाएंगे, ऐसे भी स्वीट चीज नहीं खाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ये खा लेंगे और साथ चाय भी लेके आए। तो इसके बाद जी चाय देते हैं। हाँ जी व्यूअर, तो चाय जो है ना वो भी तैयार हो चुकी है, गर्मा गर्म धुआं निकल रहा है। चले दे। हाँ जी व्यूअर, दुल्हन को और दूल्हे को चाय मिठाई दे दी है, खाना उन्होंने नहीं खाना था और मैंने वहां पे खाना नहीं खाया था और मुझे भूख नहीं थी, और अभी बेगम साहबा जो है ना मेरा वहां से लेके आई थी और वो गर्म कर रही है। मैंने कभी आप मेरे लिए सालन जो लेके आई थी ना वो गर्म करें और मुझे खाना भी दे, चाय भी दें। और यकीन माने नींद जो है ना इतनी ज़्यादा आ रही है, कल रात में सहरी जो सजाई थी हमने, कल हम सोए थे 3 बजे और आज जो टाइम हो चुका है अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी जो हो चुका है 11 का, और इतनी नींद आ रही है ना यकीन माने बस मैं बता नहीं सकता। खाना खाते हैं और उसके बाद बाकी दुल्हन के साथ दूल्हे के साथ कोई गपशप करते हैं। हाँ जी व्यूअर, बेगम साहबा जो ना खाना जो ना वो भी ले आए, वहाँ पे नान थे और गोश्त था, ठीक हो गया, तो ये गर्म करके ले आई हैं। आपने खाना? आपको नहीं भूख? तो चले यहाँ पर रखते हैं, तो खाना खा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। हाँ जी व्यूअर, तो ये हैं, ये क्या है जी? एप्पल है। ए एप्पल, बी बनाना। बनाना, अच्छा जी मजाक अपनी जगह पे, ये है जी केला और ये है जी सेब। सेब ऐसी ना आप तो आप जो ना मतलब के ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, मैं हूँ थोड़ा सा कम। आप इसे एप्पल कहती हैं, इसे बनाना कहती हैं, मैं बनाना पता नहीं किसी और चीज़ को समझता हूँ। तो ये है जी मेरे लिए, ऐसी ना क्यों? किसके लिए? नहीं जी, जबरदस्त जी, वाह अभी सीख जमते शुरू कर दी आपने।
चले इसी तरह तोड़ तोड़ करते जाइएगा ऐसे ना। चलिए एक मुझे निकाल के दे, बताना नहीं किसी को भी। वाह जबरदस्त, एक केला भी निकाल के दे, उनको नहीं बताना आपने। क्या हम बच्चों जैसे हंसते हैं हमसे। वाह जी वाह मजे मजे मजे, वाह ऐसे मैं गोल्डन गोल्डन हो जाऊंगा, रेड रेड ऐसे ना। अब क्या करना आपने बताएं। अब मुझे थके हुए बहुत ज्यादा है और पहले तो मुझे चाय देना। चाय देते हैं और दूल्हा दुल्हन को भी आराम करने देते हैं, क्योंकि आपको पता है दुल्हन जब ब्यूटी पार्लर पे जाती हैं तो बहुत ज्यादा थक जाती हैं, फिर इतनी देर वहाँ पे बैठना पड़ता है। तो शादी कैसे हुई, क्यों हुई इतनी अर्जेंट और इतनी सादगी से। वैसे हमारे यहाँ बहुत शुगल मेला होता है बड़ा जो है, हम शोर शराबा शादियों भी करते हैं, लेकिन ये हमारी फर्स्ट टाइम शादी है। ये शादी जो अभी हुई है जो इतनी मतलब चुप चुप से हो गई, और जो नसीब में होता है वही है जो उस मालिक ने करना होता है। तो मैं चाहती हूँ कि हम दूल्हा और दुल्हन को ज्यादा डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि दोनों बहुत थके हुए हैं। अगर हम अपने कमरे में और उनको आराम करने दे, और बाकी जो भी डिटेल है ये हम आपको सुबह जी फर्स्ट टाइम बताएंगे। अगर हो यूट्यूब पर के घर शादी कोई फंक्शन और यूट्यूब पर कोई इकट्ठे ना हो, ये हो सकता है भला। हाँ जी बिल्कुल, जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, जो हमें मतलब हमारे सीनियर है, सीनियर है जूनियर है जो भी है, और जिन हमारा मतलब मुलाकात होती रहती है उनसे जी हम माजरत करते हैं कि हम उनको इनवाइट नहीं कर सके। आप लोग को सिर्फ नहीं, बिल्कुल हमने बरादरी के किसी घर को भी नहीं कहा, बस हम अपने घर के लोग थे। और बाकी जो डिटेल है ये हम आपको नेक्स्ट ही बताएंगे। ये देखें जी हम दुल्हन दुल्हन के कमरे में खड़े हुए और वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि वो ज्यादा थके हुए हैं। और जी दुल्हन का मुझसे बहुत 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 करीबी रिश्ता है, और ये भी आप लोगों के लिए सरप्राइज है कि दुल्हन अपने रूम में मैं किन को लेके आई हूँ। बिल्कुल ये मेरा और बेगम सभा का रूम और था। हमने अपना रूम जो है उन्हें दे दिया है, तो जैसे गर्मी आएंगी तो इनशाला इनका कमरा हम ऐसे ही इनको बना के देंगे, और सर्दियां जो है हम शिफ्ट हो गए हैं जी। बिल्कुल, तो इसी के साथ जी व्लॉग एंड करते, मिलते किसी अच्छे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज।